तो करना भूल ही गया, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की है। खैर, तो मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टी नंबर वन, इसकी क्या है कि लॉग और इंडेक्स फॉर्म, ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है, जिसके अंदर हमारे पास लॉग की बेस होती है जो उसके सबस्क्रिप्ट में लिखी जाती है, और फिर इसके अलावा इसमें लॉग के सामने जो वैल्यू लिखी जाती है इसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, यानी लॉग का आर्ग्यूमेंट, और फिर इसके बाद जो इसका आंसर होता है वो लिखा जाता है। और अगर इसी चीज़ को इंडेक्स फॉर्म में चेंज किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस सिर्फ और सिर्फ दिस लॉगरिथमिक फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में चेंज करने से सॉल्व हो जाते हैं, तो वो कैसे होगा कि आप ये जो बेस है ना इसको आप इंडेक्स फॉर्म, यानी एक नॉर्मल जब आप कोई इक्वेशन बनाते हो उसके अंदर हमारे पास एक लेटर होता है जो कि बेस कहलाता है, वो बेस एक्चुअली वो वैल्यू होती है जो कि जिसके ऊपर कोई ना कोई पावर होती है। जैसे यहाँ पर बेस थी तो ये बेस हमारे पास यहाँ लिखी जाएगी, और इस बेस के ऊपर ये जो इसका आंसर है ना ये इसकी बन जाएगी पावर, यानी ए टू द पावर एक्स, एंड जो इसका आर्ग्यूमेंट था वो हमारे पास यहाँ पर आंसर के तौर पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी मैं प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ कि लॉग अगर किसी नंबर के साथ लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बनता है, जैसे लॉग की बेस है फॉर इंस्टेंस 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस 64, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ 64 लिखा है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका आंसर क्या होगा? इसको हम इस तरह से सोचते हैं कि भाई वो ऐसी, मैं लॉग की है जो बेस है ना 2, इस पर मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि आंसर 64 आ जाए। जैसे हम 2 की पावर कितना होता है, 64, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 फाइव, 2s are 32, 32 2s are, सिक्स, सो ये 2 की पावर 6 आ रहा है ना, तो इसका मतलब दिस इज, इस जगह पे जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। ये बात समझ सर हम आई? इसे ऐसे इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि टू अब इसी चीज को इस तरह भी लिख सकते हो नेवर इंडेक्स फॉर्म में कि 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 64, समझ रहे बात को? सो ये है एक्चुअली, अगर मेरे पास इस जगह पे फॉर इंस्टेंस एक्स होता तो मैं इसे सॉल्व कर सकता था बाय डायरेक्टली चेंजिंग इट इनटू इंडेक्स फॉर्म, क्योंकि मुझे पता है 2 की पावर x लिखा है, इस साइड पे भी बेस सेम करूंगा यानी 2 की पावर क्या आ जाएगा, 6, तो x इक्वल टू 6, इस तरह से सॉल्व हो सकता है। बट ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी को समझाने के लिए किया, इसका एक्चुअल यूज ये नहीं है, यानी इसको हम नॉर्मली ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहां पर आपके पास ये ऑब्वियस वैल्यूज नहीं होती। जैसा कि एक तरफ लिखा है 2 की पावर x और दूसरी तरफ लिखा है कोई ऐसा नंबर जो कि 2 में आता ही नहीं है, जैसे 5। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इस केसेस में इसको यूज किया जाता है लॉग, समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकता, यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर में कुछ भी नहीं बन रहा ना ये। अब आप ये बताओ कि ये 2 की पावर 2 नहीं है, ये 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो ये 4 और 8 के एट दरमियान की कोई पावर है, यानी ये मे बी ये 2.2 हो या 2.3 हो, कुछ भी हो सकता है ना? तो ये पता कैसे लगाया जाए, इसके लिए टूल जो यूज होता है दैट इज लॉग। आप इसको चेंज करोगे लॉगरिथमिक फॉर्म में, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कैसे चेंज करते हैं भाई, यहाँ पे जो बेस है वो लॉग की बेस बना दो और यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दो, और ये जो पावर है ये हमारे पास इधर आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, एक्स इक्वल टू log 2 की पावर 5, आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, आपके पास नॉर्मली क्लास में सबके पास था, आप लोगों के पास,
आप इसमें क्या करोगे कि कैलकुलेटर में आपके पास लॉग दो तरह का होता है, एक लॉग में बेस और ये दोनों जगह बॉक्स बना हुआ होता है। आप लोगों ने कैलकुलेटर रखा है अपने हाथ में अभी? ठीक नहीं है सर। सर, नहीं है तो यार जरा ले आओ। जी सर, एक मिनट। जी सर, ठीक है, तो अब आप क्या करो कि लॉग में यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो। अगर आपके पास ऐसा लॉग आपका फंक्शन नजर आ रहा है जिसमें लॉग की बेस और दोनों स्पेसेस पर वैल्यू रखी जा सकती है, क्योंकि तो दो तरह के बल्कि तीन तरह के लॉग्स आपको नजर आएंगे आपके कैलकुलेटर में। एक LG लिखा हुआ होगा, एक LN लिखा हुआ होगा, और एक इस तरीके का लॉग लिखा होगा जिसमें दोनों स्पेसेस एम्प्टी होंगे। नजर आ रहा है आपको? जी सर, तो बस आप सबसे पहले इसकी जी वैल्यू सर, रखें। अब ये आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को डाल के इक्वल टू दबाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर? 2.3219 आगे। देखो यही होना चाहिए था ना, अराउंड, क्योंकि 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, तो इनके दरमियान में कोई आंसर आना चाहिए था आपके पास। तो लॉग का एक्चुअल फंक्शन देखो, अब इंडेक्स इंडाइसिस हमने पढ़ लिया ना, इंडाइसिस जहाँ पे लिमिटाइज हुआ कि भाई हम उसको कभी भी 2.3 पावर को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो लॉगरिथम ने हमें जो है वो समझने के एडवांटेज दिया है कि अब हम लॉगरिथम की मदद से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुई है बात? तो लॉगरिथमिक फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म, इनको आपस में चेंज करने का तरीकेकार समझ में आया? ठीक है, और वो क्या है कि भाई जी सर, अगर एक और सवाल। अगर इंडेक्स फॉर्म ये है AX=Y, और इसको मुझे लॉग फॉर्म में चेंज करना हो, तो इसकी लॉग फॉर्म क्या होगी? लॉग की बेस में आएगा जो यहाँ पर पावर की बेस है, यानी कि a, और यहाँ पर जो आंसर है ये इसका आर्गुमेंट बन जाएगा, और इसके इक्वल्स टू के बाद क्या आएगा? x। इस तरह से ये इंडेक्स फॉर्म लॉग फॉर्म में चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन है यस ऐसा? सर, जी सर। सर ये वो वाला पार्ट जरा वापस समझा दीजिएगा। अब कौन सा बेटा? मैं कैसे बताऊँ उस वाला, बस इसी इसी के बाद वाला वापस समझा दिए और कैसे समझ लिया। देखो मैंने ना यहाँ पर एक बात बताई कि जैसे मेरे पास अगर आप ये नोट करो कि मेरे पास 2 की पावर x=5 है। जैसे 2 की पावर x=64 था, वो मैंने सॉल्व कर लिया था इजीली, क्योंकि मुझे पता था कि ये इसको 2 की बेस में बनाया जा सकता है, और उसमें मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़े। डायरेक्टली मैंने 2 की पावर x=2 की पावर 6 लिखा, और आपको पता है बेसिस सेम होती हैं, हम उनको इक्वेट कर देते हैं, x=6 डायरेक्टली आंसर आ गया था, है ना? लेकिन अगर मेरे पास 2 की पावर x है और दूसरी तरफ कोई ऐसी वैल्यू है जो 2 की पावर में ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकती, जैसे कि 5 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लॉगरिथम का यूज करना पड़ा। और मैंने क्या किया, इस इंडेक्स फॉर्म को चेंज किस में कर दिया? लॉगरिथमिक फॉर्म में। और वो कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया, जो पावर की बेस है उसको मैंने लॉग की बेस बनाया, जो आंसर है उसको मैंने आर्गुमेंट बनाया, और मैंने जो पावर दी उसको दूसरी तरफ उतार दिया। और फिर मुझे x=log2 की पावर 5 है ना, इस तरह से मैं अगर सॉल्व कर लूँ डायरेक्टली कैलकुलेटर से, तो मेरे पास log2 की पावर 5 का आंसर 2.32 आया, तो डायरेक्टली x=2.32 आ गया ना। आपने कैलकुलेटर में ये चीज़ यूज़ करके देखी? जी सर, इसमें क्वेश्चंस किस तरह आते हैं? मैं अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी फिलहाल पहले तो हमें टोटल अराउंड 10 प्रॉपर्टीज हैं जिनको समझना है, वो समझ लो, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो थी वो थी लॉगरिथमिक फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म का चेंज करना। ये समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर, चलो जी तो सर, अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 समझाने लगा हूं, जो के है कि अगर लॉग की कोई भी बेस हो मगर यहां पर अगर वैल्यू 1 हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अब ये प्रॉपर्टी पिछली प्रॉपर्टी से ही डिराइव हुई है। कैसे भाई? आप मुझे इतनी बात बताओ, इसको अगर मैं इंडेक्स फॉर्म में चेंज करूं तो इसका मतलब क्या बनता है? जी ए पावर 0 इक्वल्स 1। जी ए की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है किसी भी चीज की पावर 0 रख दें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यही चीज है इसमें, यानी कि अगर किसी का लॉग निकाल लो, लॉग की बेस कुछ भी हो, अगर यहाँ पर 1 है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। क्लियर हुई बात बेटा? तो प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ में आ गई? जी सर, जी सर, इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो बेस है और अगर वही आर्ग्यूमेंट है, इफ आर्ग्यूमेंट एंड बेस बोथ आर सेम द आंसर इज 1। और इसकी लॉजिक भी सिंपल सी यही है कि अगर मैं इंडेक्स फॉर्म से इसको रिलेट करूं तो हमारे पास ये बन रहा है कि ए की पावर 1 इक्वल्स टू ए। क्लियर हो रही है बात? सो ये प्रॉपर्टीज क्यों याद रखनी है? क्योंकि हमारे पास जब लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो समटाइम्स हमारे पास ऐसा केस आता है कि लॉग 1 लिखा हुआ है, तो लॉग के आगे अगर 1 लिखा है तो आप ऑब्वियस होना चाहिए कि भाई लॉग ए यहाँ पर अगर 1 है तो हमने आंसर उसका 0 ही लिखना है। इसी तरह अगर कोई दो सेम हो जाए, जैसे यहाँ भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है बात? जी सर, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, जो कि इनको नेक्स्ट, अगर 3 प्रॉपर्टीज को लॉज ऑफ लॉगरिथम भी कहा जाता है, जैसे लॉज ऑफ इंडाइसिस के तौर पे आपने पढ़ा है ना, इसी तरह इनको लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर शामिल किया जाता है। वो 3 लॉज क्या हैं? लॉ नंबर 1, के इफ लॉग विद एनी बेस और इसके अंदर हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो, फॉर इंस्टेंस एक्स एंड वाई, ये एक साथ लिखे में इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं, एंड द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। हम इसको इस तरह लिखेंगे कि व्हेन एक्स इज मल्टीप्लाइड तो इसमें लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, यानी दिस मल्टीप्लाई इज चेंज इन टू प्लस एंड लॉग इज एडेड विद बोथ, यानी लॉग आपने दोनों के साथ लगा दिया और दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ये लॉ है बेसिकली, लॉ ऑफ लॉगरिथम, और इसका रिवर्स भी करते हैं हम। जैसे जी अगर दो सेम बेसिस वाले लॉग्स सर, हों और उनकी दो वैल्यूज हों और वो आपस में क्या हो रहे हो? ऐड हो रहे हो, तो हम एक एक सिंगल लॉग में इनको लिखकर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि जैसे हमारे पास लॉग, तो मैं सॉल्व करने के लिए इक्वेशन दी है लॉग 5 3 और प्लस लॉग 5 2। अब यार इसको ना अगर सिंपलीफाई करना है तो इसका तरीकेकार सिंपल सा ये हो सकता है कि मैं आपको सिंपलीफाई करने के लिए दिया है ना, आपने देखा यार यहाँ पे लॉग अप्लाई हो रहा है। अच्छा, हमारी ये कोशिश होती है कि एक तो सिंपलीफाई करने का मतलब तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स में किसी चीज़ को लेकर आ जाए, और अगर हमें इसको पूरी तरीके से सॉल्व भी करना है तो हमारी कोशिश ये होती है कि मिनिमम यूज़ ऑफ कैलकुलेटर करें। ठीक है, तो अभी इस जगह पर हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसका सिंपल सा तरीकेकार ये है कि हम इसमें ये लॉ अप्लाई करेंगे, नज़र आ रहा है कि बेसिस सेम वाले दो लॉग्स हैं और दरमियान में प्लस साइन है, तो क्या कर दो, एक दफा लॉग को लिखो और इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर दी जाए? मल्टीप्लाई कर दी। सो क्या आंसर आएगा? 3 टाइम्स 2 6। अब अगर सिक्स आपने इसको मजीद सॉल्व भी करना है तो एक दफा आपको कैलकुलेटर में लॉग 5 और 6 इम्प्लीमेंट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा।
अदरवाइज आपके पास देखो मुख्तलिफ तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। असल तो यही है कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो जो प्रॉपर्टीज हैं इनको याद रखना और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जैसे इंडाइसिस में आपने एक दफा प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी बट उसका यूज आपको जब क्वेश्चंस कर रहे थे तभी सही से क्लियर हुआ था, इसी तरह है बेटा। अच्छा पहली जो लॉ है वो समझ आ गया, इसको प्रोडक्ट लॉ भी कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको प्रोडक्ट लॉ कहा जाता है क्योंकि इसमें दो वैल्यूज का प्रोडक्ट था लॉ की सेम बेस में, तो आपने फिर क्या किया उसको ऐड कर दिया। इसी तरह दूसरे लॉ है जो कि रेशो का लॉ है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक्स अपॉन वाई है तो क्या करोगे आप, ये जो डिवीजन है ये माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, यानी लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। अब ये नीचे वाली टर्म को बाद में ही रखना जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको आगे पीछे कर दोगे तो आपको पता है ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सो ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, तो जो पहले है वो पहले आएगा, ठीक है, और जो बाद। सो इसको रेशियो लॉ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें, और तीसरा है इसका समझ लीजिए कि पावर लॉ है। इसके अंदर क्या होता है कि लॉग ए है और यहाँ पर बी लिखा है और यहाँ पर इसकी पावर, जो यार आर्ग्यूमेंट है ना आर्ग्यूमेंट पे भी कोई पावर आएगी। अगर आर्ग्यूमेंट पे पावर मौजूद है तो क्या होगा, ये पावर लॉग से पहले उतर आएगी, यानी इसका जो आंसर होगा वो एक्स लॉग ए बी। और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लॉग को बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं जहां पर पावर हमसे सॉल्व नहीं हो रही और पावर को मैं नीचे उतार रहा हूँ, यानी पावर जो है वो एक, अब अगर एक्स वाई जेड यानी किसी वेरिएबल की फॉर्म में पावर है तो आपको पता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रिक तो हम ये यूज करते थे ना कि इक्वल टू के बाद भी सेम बेस ले आते थे, लेकिन अगर इक्वल टू के बाद सेम बेस नहीं आ सकती तब भी हम इस लॉजिक को यूज करते, ठीक है। ये वाली लॉज समझ में आया बेटा आप लोगों को? जी भाई अगर इसकी एग्जाम्पल देखना चाह रहे हो तो ऐसे है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं कि जी लॉग सर टू जी सर जी बी सर की पावर 5 है, तो भाई अगर ये इसको मुझे सिंपलीफाई करना है तो ये पावर 5 नीचे आ जाएगी, यानी 5 log 2 की पावर 3। अगर आप इसको चेक करना चाहें ना कि ये प्रॉपर्टी ठीक है या ये मतलब इसकी एक वेरिफिकेशन करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसे दो तरीकों से सॉल्व कर लें। आपके पास कैलकुलेटर तो मौजूद है ना, आप क्या करें कि पहले 3 की पावर 5 निकाल लें, 3 की पावर 5 क्या आएगा, काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, टू और फोर्टी फिर थ्री 243 अगर आ रहा है तो आप क्या करो लॉग की बेस 2 रख के 243 का आंसर निकालो, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है पहले लॉग 2 और 3 निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पे आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक तरीके से इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी थी, जी सर समझ में आई है बेटा ये? यस सर अच्छा बेटा इसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 5 जो के है चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी। हमारे पास अगर मैं चाहूं कि मुझे प्रॉपर्टी मतलब मेरे पास एक लॉग ए और बी लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे ना ये बेस में ए नहीं चाहिए, मुझे कोई और बेस चाहिए, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि बेसिस को सॉल्व करना मुश्किल होता है ये वाली, हम चूंकि बहुत से सवालात ऐसे आएंगे जिसमें हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना होगा, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये बेस जो ए है ना इसके बजाय कोई ऐसी बेस आए जिससे मेरे लिए सॉल्यूशन पॉसिबल हो, तो लेट सपोज वो बेस है सी। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि अगर मुझे बेस सी लेकर आनी है तो मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ना यानी जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उसको ऊपर लिख दूंगा,
यानी लॉग सी और इसकी आर्गुमेंट ऊपर, और लॉग टू द बेस सी का ये जो बेस थी ये मेरे पास आर्गुमेंट के तौर पे अपॉन में आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी समझ आई कैसे अप्लाई की? ये चेंज ऑफ बेस इस प्रॉपर्टी का नाम है, कि अगर मुझे, प्रॉपर्टी को सॉरी सॉरी गलत लिख दिया। जी बेटा क्या कह रहे हो? ये इज इक्वल्स टू तो आगे एग्जांपल लॉग प्रॉपर्टी देखो सर ये ये जो ऊपर सी है वाली दोनों वैल्यू, जगह पे। हाँ बेस सेम रखी है मैंने, लेकिन जो यहाँ पर आर्गुमेंट था ये ऊपर आ गया और यहाँ की जो बेस थी ये इधर आ गई। तो सर ये सी कहाँ से आएगा? ये सी का मतलब कोई भी डिफरेंट बेस है, कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं आप। जैसे कि मैं तो, मैं एक मिसाल देता हूँ, तुम्हारे पास है लॉग टू और यहाँ पर है फाइव, सही है? मैं चाह रहा हूँ यार इजी वाली जी बेस आ जाए इसकी जगह ना। अब आपको पता है लॉग, ये जो टेन होता है ना, ये कैलकुलेटर में डायरेक्टली प्रोग्राम्ड होता है, एक जो सिंपल लॉग लिखा हुआ है ना जिसकी बेस शो नहीं हो रही आप लोगों के कैलकुलेटर में, या तो लॉग लिखा होगा या सिर्फ एलजी लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है बेस एज अ 10, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ कि मैं बेस 10 पे लेकर आ जाऊँ, तो क्या होगा? मैंने 10 कर दी, यानी कोई भी ऐसी बेस जो इजी हो सॉल्व करने के हिसाब से मैं इस तरीके से चेंज कर सकता। क्लियर हो रही है बात? जी सर। सो ये एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 6, और ये बिल्कुल उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है जो कि हमने अभी पढ़ी है, इसी से ड्राइव्ड प्रॉपर्टी है ये। जैसे अगर मुझे लॉग ए की पावर बी लिखा हुआ है ना, और मैं इसकी बेस और इसको स्विच करना चाह रहा हूँ, आर्गुमेंट को मैं चाह रहा हूँ आर्गुमेंट बेस बन जाए और बेस आर्गुमेंट बन जाए, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसके ऊपर पिछली वाली प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करूँगा, और अब मैं लॉग बी रखता हूँ और ऊपर भी बी आ गई, क्योंकि ये ऑलरेडी, यानी मैं नई जो बेस रखना चाह रहा हूँ ना वो मैंने सी के बजाय क्या रख दी? बी रख दी। तो क्या हुआ यहाँ पे? लॉग बी और बी, इसका आंसर क्या आएगा? 1 वन आएगा। सो ये मेरे पास प्रॉपर्टी इस फॉर्म में आ गई कि वन अपॉन लॉग बी ए, यानी कि अगर मेरे पास, अब आप इसको देखो ना, समराइज करो तो क्या बन रही है कि लॉग बी यानी लॉग टू द बेस ए को बी बी आर्ग्यूमेंट था, अगर मुझे उसे ए बी करना है तो मुझे उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी अगर मुझे बेस और आर्ग्यूमेंट को स्विच करना है तो मुझे उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। दैट्स इट, समझ आई है बात? तो जी एज अ सर। प्रॉपर्टी तो बेटा ये लिखी भी है, लेकिन मैंने बोला आपको इसका ड्राइव कहाँ से हुई है, मैंने आपको वो भी थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि मैंने, अच्छा इसके बाद की प्रॉपर्टीज जो मेरे पास एक जगह इनलिस्ट हुई हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मैंने यूज़ होते देखी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर पिछली वाली प्रॉपर्टी थी ना कि हमने चेंज करने के लिए डिवीजन किया बेस को चेंज करने के लिए, हमारे पास चेंज ऑफ बेस में ना मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी एक चेंज आता है। जैसे अगर लिखा है ना लॉग बी और आर्ग्यूमेंट है सी, और नेक्स्ट जो लॉग इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसका बेस सी है और आर्ग्यूमेंट कुछ और है, हम
अब अगर मुझे इनका प्रोडक्ट लेना है ना, तो इसके प्रोडक्ट का जो आंसर होगा उसमें ये होगा कि ये जो सी है और ये सी है, ये समझ लो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग बी, और इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा एक्स, समझ लो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी चेंज ऑफ बेस का ही एक तरीकेकार है कि इसके अंदर भी बेस चेंज हो जाती है, बट इसमें आपने देखा कि इसमें कंडीशन मल्टीप्लीकेशन की थी, ठीक है। ठीक अच्छा चले, अब है सर। फाइनली ये प्रॉपर्टीज जो है ना ऑलमोस्ट एंड अप हो गई हैं हमारी, और अब मैं आपको, अच्छा यहाँ पे ना मेरे पास टाइम एंड हो रहा है, इस वाली जो मीटिंग थी ना इसका 40 मिनट्स का टाइम होता है, सो वाइंड अप हो रहा है टाइम, तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अभी इसको पॉज करके ना, इस वीडियो को स्टॉप करके दोबारा लिंक भेज रहा हूँ उसका, फिर इंशाल्लाह आपको मैं अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन प्रॉपर्टीज के यूज से सॉल्व करने हैं हमने, मैं उनको आपको बता रहा हूँ, और वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 के अंदर आपको मिल जाएंगे। हम लाइन वाइज इनको सॉल्व करना सीखेंगे, वीडियो इसीलिए बनाएंगे ताकि हम इन चीज़ों को रिकॉल कर लें, और अभी आज फर्स्ट क्लास है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मैं मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दूँ ताकि आप, अच्छा एक इशू ये था, मैंने पहले तो प्लान किया था कि मैं कल क्लास लूँगा लेकिन कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन इंशाल्लाह सैटरडे को मैं दोबारा क्लास लूँगा, तो उसमें हम फिर पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आज मैं आपको जो है वो बुक से जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो आपको मैं समझा दूंगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आपको दोबारा से लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। ओके सर।